पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन उस पैसे को बढ़ाना एक कला है जो कि आपको कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, सालों का वर्क एक्सपीरियंस नहीं सिखा सकता। अपने खुद के फ्रेंड सर्कल को देख लीजिए, सेम बैकग्राउंड से आने के बावजूद, सेम स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बावजूद, सेम चैलेंजेस फेस करने के बावजूद, कोई तो पैसे के ढेर पर बैठा होगा और किसी की जेब आज भी होगी खाली। अगर आपको लगता है कि जिंदगी की हर खुशी तो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन लाइफ की हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पैसे से जरूर जुड़ी होती है, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि और मुझे लोगों को ऑब्जर्व करने में बहुत ही मजा आता है। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो लोग पैसे की दिक्कत झेल रहे होते हैं ना, उनका कॉन्वर्जेशन स्टाइल बदल जाता है। अरे यार, ये तो बहुत महंगा है, तूने मेरे 100 रुपये देने हैं। नहीं यार, तुम लोग पार्टी के लिए जाओ, मैंने, मेरा मन नहीं है। ये सब स्टेटमेंट्स कुछ इंडिकेट करती हैं और वो है पैसों की दिक्कत। इफ दिस इज द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, तो मैं आपका दर्द बिल्कुल समझती हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले तक मैं भी आप ही की सिचुएशन में थी। मैं सोचती थी कि यार मैं पैसे तो कमा रही हूँ, लेकिन जब जरूरत हो मेरे पास पैसे होते ही नहीं है। फिर बहुत धक्के खाने के बाद समझ आया कि पैसों का इनफ्लो से कोई रिलेशन नहीं है, द रिलेशन इज विद द डिसिप्लिन यू फॉलो विद योर मनी। लेकिन गुड न्यूज इज कि छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं अपने पर्सनल मनी मैनेजमेंट सीक्रेट्स जो मैंने सीखे थे फ्रॉम द बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो 7 प्रिंसिपल्स जिन्हें अगर आपने टू द टी फॉलो किया तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगले 3-4 साल में बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रिंसिपल है कि जब भी आपके पास कहीं से पैसा आए, थ्रू योर सैलरी, थ्रू योर बिजनेस, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको जेब खर्ची दी हो, उसका 10% अलग कर दीजिए। मतलब आप यूं समझ लो कि जैसे आप हर किसी को पेमेंट देते हो ना, आप बिजली का बिल भरते हो, आप कहीं से सब्जी लेते हो तो पेमेंट देते हो, आप अपने मोबाइल का बिल भरते हो, इसी तरह आपके पास जो भी पैसा आए उसका 10% आप खुद को पे करते हो। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि निधि, अगर हमने 10% अलग कर दिया तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, 10% से ना आप बंगला बना लोगे, ना आप गरीब हो जाओगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। और हाँ, ये 10% नॉन नेगोशिएबल हैं। ये नहीं कि भाई 5% बचा लेते हैं, 7% बचा लेते हैं। प्लीज़ फॉलो द डिसिप्लिन। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ टू कीप 10% असाइड ऑफ वॉट एवर मनी यू गेट। दूसरा प्रिंसिपल है कि आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है और जो 10% आपने साइड किए हैं ना, उसे किसी भी हालत में हाथ नहीं लगाना है। इस 10% को खर्च करने की आपके मन में बहुत टेम्पटेशन होगी, क्योंकि जब सामने पैसा दिखता है तो रुका नहीं जाता। बार बार आपके सामने ऐसे एक्सपेंसेस आएंगे कि आपको लगेगा चलो यार इस 10% में से निकाल लेता हूं, बट दिस इज वेर यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। देखिए, हम में से ज्यादा लोग पैसों की दिक्कत से क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जितनी हमारी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा हमारे खर्चे हैं। सो वी हैव टू कंट्रोल दीज एक्सपेंसेस। आप ऐसा सोचो ना कि आपने एक छोटा पेड़ लगाया, एक पौधा लगाया है, उस पौधे को आप पानी दे रहे हो। कुछ साल के बाद जब वो पौधा बड़ा होगा और उसमें फ्रूट आएंगे, तो वो फ्रूट आप ही के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। सो प्लीज डोंट थिंक कि हाय, मैं अपना मन मार के जीऊंगा, मैं अपना मन मार के जीऊंगी, मुझे शॉपिंग पे जाना था। डोंट थिंक लाइक दैट। 3-4 साल आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, योर लाइफ विल कम टू अ स्टेज जहां आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाएगी और तब आप अपना मन चाहा खर्चा कर सकते हैं बिना स्ट्रेस में आए। तो अब जो ये 10% आपने साइड रखा है, इसका क्या करना है? अगर आपको लग रहा है कि 10-10% बचाकर आप अमीर बन जाओगे, तो बहुत ही बेवकूफी भरा थॉट है। इतिहास गवाह है कि आज तक पैसा बचाकर कोई अमीर नहीं बना। तो फिर अमीर बनते कैसे हैं? पैसे से पैसा बनाकर। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड प्रिंसिपल कि जो 10% आपने अलग रखे हैं ना, उसे आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो आपने कोई घर खरीदा जहां से आपको श्योर है कि यहां से मुझे रेंटल इनकम आएगी, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला, आपने बॉन्ड्स में पैसा डाला, वो सब एक इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली आप अपना पैसा ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां से अगर आप काम ना भी करें तो भी आपको रिकरिंग इनकम आएगी, विच मीन्स यू हैव स्टार्टेड जनरेटिंग पैसिव इनकम। लेकिन महंगी गाड़ी खरीदना, महंगा मोबाइल फोन खरीदना, लग्जरी वॉच खरीदना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी जेब में पैसा लाने की बजाय आपकी जेब से पैसा बाहर ले जाएंगी। सो द थर्ड प्रिंसिपल इज टू इन्वेस्ट द मनी दैट यू हैव केप्ट असाइड सो दैट यू कैन ग्रो योर मनी। चौथा प्रिंसिपल जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू प्रोटेक्ट योर मनी। बहुत से लोग हैं जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल देते हैं, लेकिन मार्केट का एक सिंपल सा नियम है कि जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क। तो अगर अपने पैसे को आप खुद प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई बाहर से आकर उस पैसे को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बी वेरी वाइज कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ से आप अपने पैसे की ग्रोथ देख रहे हो। डू योर मार्केट स्टडी एंड देन पुट इन योर मनी। और याद रखना, लालच बुरी बला है। 5वां प्रिंसिपल है कि आपके पास आपका खुद का घर होना चाहिए।
अब ये बात तो सही है कि जब इंसान के सर पर उसके खुद की छत होती है तो थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस तो रहता ही है, जो कि पैसा बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के टाइम में खुद का घर होना चाहिए या नहीं इज़ वेरी डिबेटेबल फॉर मी, क्योंकि जिस तरह हम लोग जॉब्स चेंज करते हैं, जॉब्स के साथ हमारी लोकेशन चेंज होती है, ऐसे में मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इज़ वेरी सिचुएशनल। मान लीजिए आपने एक मकान ले रखा है अहमदाबाद में जिसकी आप ईएमआई भर रहे हैं, और आप अपनी नौकरी के लिए रहते हैं मुंबई में जहां आप घर का किराया भी भर रहे हैं। इन सच अ सिचुएशन आपका अपना घर आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के बजाय आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा। तो घर बनाइए, ज़रूर बनाइए, बट ओनली इफ़ यू आर वेरी श्योर कि आप उस मकान में रहेंगे। छठा प्रिंसिपल है एसेट्स बनाना, मतलब ऐसी चीज़ों में पैसा लगाना कि जिससे आपका फ्यूचर में पैसा इंक्रीज़ करे। अब हर इंसान के लाइफस्टाइल के हिसाब से उसकी एसेट की डेफिनेशन अलग होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मकान किसी के लिए एसेट भी हो सकता है और किसी के लिए लायबिलिटी भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन पे मैं सजेस्ट करूँगी कि या तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लो, या फिर अपने किसी ऐसे दोस्त से कंसल्ट करो जिससे कि आपको लगता है कि हाँ यार ये मनी मैटर्स में बहुत स्मार्ट है, एंड देन पार्क योर मनी इन द राइट एसेट्स। एंड द फाइनल प्रिंसिपल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टू हैव द डिज़ायर टू बिकम रिच। अगर आपको लग रहा है कि करंट सिचुएशन जैसी है ठीक ही तो है, चल ही तो रहा है, कौन इतना डिसिप्लिन फॉलो करे, कौन इतनी झकझक करे, कौन आज अपना मन मार के कल की चिंता करे, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत अमीर नहीं बना सकती। आपकी लाइफ का हर चेंज आपके मन से शुरू होता है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव करनी है और आप डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अदरवाइज जो जैसा चल रहा है फिर वो तो चल ही रहा है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ, और जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ रहा है मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड आई एम रेडी टू टेक हायर रिस्क इन लाइफ। मैं चाहती हूँ ये कॉन्फिडेंस पैसों को लेकर आपके अंदर भी आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इफ यू वॉन्ट टू हैव एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक किसी ना किसी तरह 10% अलग से बचाने की आदत डालिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।